वेलकम टू माय चैनल वर्ल्ड स्टाइल सिलेक्शन और मैं हूँ आपके साथ एक और वीडियो लेके। आज आपको एक बेहतरीन सा आला किस्म का हेल्दी वाला ऑमलेट बनाना सिखाएंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के बाद तेल रख देना और चूल्हा भी जला लेना। ये ना हो कि आप चूल्हा जलाए ना और तेल ऐसे डाल के पड़ा रहने दें। तेल के गर्म होते ही आपने प्याज फेंकनी है अंदर और प्याज तेल में फेंकने के बाद ये जो आवाज़ आ रही थी, मुझे ये आवाज़ बहुत पसंद है। आपको कैसी लगती है आपने ये बताना है। अब थोड़ा सा सॉल्ट डालेंगे और इसको थोड़ा घुमाएंगे ताकि जो हमारे प्याज हैं वो नरम ही रहें और दूसरा जो इसका टेस्ट है ऑमलेट का वो बना रहे। ज़्यादा नमक नहीं डालना आप लोगों ने। तो प्याज थोड़े से गोल्डन ब्राउन हो गए और अब हम लोग डालेंगे शिमला मिर्चें और सब्ज़ मिर्चें। ये आपने छोटी छोटी सी काटनी है, ज़्यादा बड़ी बड़ी नहीं काटनी, फिर इनका मज़ा नहीं आया। और अब आपने इसको भी मिक्स करना है ऑयल के अंदर। तो इसको अच्छे से फ्राई करेंगे और ये भी थोड़ा ब्राउन हो जाएंगे और प्याज भी थोड़े और ब्राउन हो जाएंगे और फिर हम लोग डालेंगे टमाटर छोटा सा काटा। ये ऑप्शनल है, जो लोग पसंद करते हैं मशरूम वो मशरूम भी डाल सकते हैं और धनिया भी डालेंगे। ये ज़रूर डालना धनिया, इससे टेस्ट बनता है इसका। तो चलें इसको बनने दें, इसको भूनते रहना थोड़ी देर, हम लोग बात करते हैं। मैं आपको बताता हूँ ये मैं कैसे बना रहा हूँ ना, कैसे लगा हूँ। लेकिन जब पाकिस्तान में थे अपने घर थे तो पानी का गिलास भी उठ के नहीं पीते थे। वो भी पानी भी पीना है तो अपनी बहन को बोलना है, अपनी माँ को बोलना है कि ज़रा पानी का गिलास दें, खुद कभी जहमत नहीं करनी। कपड़े धोना, बर्तन धोना और घर के काम करना ये तो बहुत दूर की बात है, लेकिन अभी जब से बाहर आए हैं सब खुद करना पड़ता है। और याद आता है कि पाकिस्तान में मर्दों की लाइफ कितनी शहनशाही। तो चलें अब ये रेडी है, इसको ऐसे फैलाना है और इसको ऐसे फैलाने के बाद आपने पकड़ लेने अंडे अगर कहीं दूर पड़े हुए, जैसे मैं पकड़ के लाया हूँ। इसके ऊपर तोड़ेंगे अंडे ऐसे, ठीक है। आप लोगों ने वो मिक्स करके नहीं डालने। एक ऑमलेट वैसा भी बताऊंगा आपको, वो भी बहुत अच्छा बनता है, मगर आपने अंडों को ऐसे डालना है ऊपर, ठीक है। और बाद में पैन को पकड़ के हिलाएंगे तो ये अपनी जगह ले लेंगे। फिर आपने सोने तरीके से इसको ढकना है और नीचे से जो आग है वो कम कर देंगे। और स्लो आंच पे इसको रख के आप नहाने भी जा सकते हैं क्योंकि ये स्लो आंच पे ही पकता है, यही इसकी खूबसूरती है। आप इसको ऐसे रखेंगे और इसके ऊपर दो तीन चुटकियाँ है ना वो काली मिर्चों की डालेंगे। ये भी ऑप्शनल है, आप डालना चाहते हैं तो डालें, नहीं डालना चाहते तो मत डालें। लेकिन आपने इसको यहाँ पे हल्की आंच पे ही पकाना है और ये जलेगा नहीं इस बात से बेफिक्र हो जाना, लेकिन बीच बीच में चेक करते रहना। जिन लोगों को हाफ फ्राई पसंद है वो हाफ फ्राई होने तक इसको उतार सकते हैं और जो लोग फुल फ्राई पसंद करते हैं वो इंतज़ार भी कर सकते हैं। और फिर आपने इसको हल्का सा हल्के हाथों से पोले पोले हाथों से आपने इसको ज़रा हटाना है क्योंकि आपने इसको बिल्कुल नहीं हिलाया तो वो थोड़ा बहुत नीचे लगा होगा, लेकिन ये टूटेगा भी नहीं अगर आप इसको ध्यान से उतारेंगे। चलें ये बन के रेडी, आप करते हैं सर्व अपने आप को। ये लें, ये देख लें कैसा लग रहा है। और इसको फुल पंजाबी स्टाइल में खाएंगे। चाय का कप साथ रखेंगे, तीन को पराठे रखेंगे, ये एक नहीं है तीन है, दो नीचे छुपा के रखे हुए मैंने। और हर बाइट के साथ एक चाय की चुस्की लेंगे और खाएंगे। आप भी इंजॉय करिए, तो आप भी जरूर ट्राई करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।